तो फ्रेंड्स, मैं अमित, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, मैं बहुत दिन वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। तो अभी जो नेक्स्ट लॉट मेरा स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट बैच जो है मेरा स्टार्ट हो गया, और इस बार का चिक्स मेरा है 3300 के आसपास, क्योंकि ये जो सेड है, ये सेड और वहाँ पे जो सेड है पुराना वाला, तो ये दोनों मिला के मैं टोटल जो चिक्स है ये एक ही रूम पे रखा हूँ, एक ही फार्म में रखा हूँ, जाके मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरह से मैं कर पाऊँ। और दोस्त, मैं इस लॉट का जो वीडियो मैं बनाऊँगा उस पर डे टू डे वाइज बताऊँगा कि कैसे समर सीज़न में जो है चिक्स को मैनेजमेंट किया जाता, क्योंकि विंटर सीजन के टाइम का जो मैनेजमेंट है और समर सीजन के टाइम का जो मैनेजमेंट है ये एकदम डिफरेंस है। और दोस्त, पिछले लॉट का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप सभी को पता है कि क्या सिचुएशन बीता है, लेकिन अभी का सिचुएशन एकदम क्लियर हो गया। और मैं बता देता हूँ, अभी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा चिक्स का एज आज 5 दिन है, और आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला पर्दा टोटल ओपन है। और विंटर सीजन में क्या होता था, 10-12 दिन तक ऊपर नीचे टोटल गिरा रहता था। और मैं बोल देता हूँ, ये जो मेरा सेड है, दो सेड, ये तो 3500 के लिए है, लेकिन इस बार को मैंने चिक्स लिया 3300, क्योंकि विंटर का सीज़न में थोड़ा सा चिक्स ज़्यादा लेने से भी काम चल जाता है, लेकिन समर सीज़न में चिक्स अगर आप ज़्यादा फार्म में डालेंगे तो इसमें आपका बाद में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी बहुत आ सकता है। तो इसलिए और 200 करके 400 अगर कम लेता फिर भी चल जाता, लेकिन मैंने फिर भी 3300 लिया, 100 करके, मतलब इस फार्म में 100 और उस फार्म में 100 मैं कम घटा के लिया। तो देखता हूँ इस बार का अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं नेक्स्ट लॉट में फिर 200 या फिर 300 करके काम ले लूँगा। तो इस लॉट का तो ठीक ठाक चल जाएगा, अभी उतना ह्यूमिडिटी नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी, हीट स्ट्रोक, आपको पता होगा कि अगर आपका फार्म में या फिर वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो हीट स्ट्रोक का मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी का जो वेदर है वो सूखा सूखा है, और आप देख पा रहे हैं कि 5 दिन का जो चिक्स है, चिक्स का जो एवरेज ग्रोथ है वो भी मीडियम है। और आपको बोल देता हूँ, ये कल ऑलरेडी मेरा जो चिक्स का वैक्सीनेशन हो गया, और आज मैं पानी में सिर्फ फ्रेश पानी दे रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन का देने के बाद आप अगर कुछ मेडिसिन जो है मेडिसिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो असर है वो पूरा नहीं देख पा सकते। तो इसलिए मैं क्या करता, वो जिस दिन भी वैक्सीनेशन करता हूँ उसके पहले दिन और दूसरे दिन मैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। तो दोस्त, मैं ऐसे ही हर दिन का एक वीडियो मैं डालता रहूँगा इस चैनल पे, और इसमें मैं बताऊँगा कि समर सीज़न में एक्चुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए जाके चिक्स का जो एवरेज बॉडी वेट है और FCR है वो ठीक तरह से रहे। तो दोस्त, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।